दिल्ली पुलिस ने बिछाया धोखेबाज के लिए जाल। मामला सरिता विहार का है, जहां पुलिस ने simplymarry.com पर अपना हाई प्रोफाइल स्टेटस डालकर एक युवती से शादी कर लाखों की ठगी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी की पहचान मुंबई निवासी आफिस इकबाल मेनन के रूप में हुई है, जिसने एक महिला से सोशल साइट पर दोस्ती की और फिर प्यार और शादी करके लाखों की ठगी करके फरार हो गया। लेकिन धोखा खाने के बाद महिला ने भी हार नहीं मानी और पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करा दिया। मामला ये है कि एक शख्स है आसिफ इकबाल मेमन, जिसने हम लोगों से simplymarry.com के थ्रू कांटेक्ट किया था और उसके बाद फिर यह कि कुछ गैप देकर उसने बाद में फिर दोबारा कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उसने शादी की ख्वाहिश जाहिर की और उस वक्त हमें प्रोफाइल ठीक लगा क्योंकि उसने मैकेनिकल इंजीनियर खुद को बताया हुआ था, नोएडा में फ्लैट वगैरह बताया हुआ था, तो मैं भी वर्किंग हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो प्रोफाइल ठीक लगा। तो हम फिर फैमिली में बात गई और किसी तरीके से भी कन्विंस करके और शादी हो गई, फैमिली से बात बात हो गई और शादी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो था धीरे धीरे उसकी चीज़ें खुलती रहीं कि वो कितना बड़ा चीटर है। सबसे पहले तो ये था कि उसने हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग आएंगे, हम हाई क्लास हैं, सानिया मिर्ज़ा मेरी कज़िन है, शरद पवार मंत्री से मेरी बात होती, इस तरीके की चीज़ें बहुत की थी। धीरे धीरे जो थी वो सब हमारे सामने आता रहा था। उसके बाद फिर ये हुआ कि पैसे का जो जितना उसने दिखाया था, मेरी जॉब है, मैंने उसे कभी भी ऑफिस जाते हुए या कहीं भी जॉब के सिलसिले में बात करते हुए, काम के सिलसिले में बात करते हुए नहीं देखा, ना उसके पास कोई पैसा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो मेरा ही कार्ड यूज़ कर रहा था, शादी से पहले से वो मेरा ही कार्ड यूज़ कर रहा था, जो बहाने से उसने मुझसे लिया था। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।